खरगोन में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के खाते से 20 लाख रुपए उड़ा दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने बैंक मैनेजर को सचिन यादव बनकर फ्रॉड कॉल लगाया। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। सचिन यादव को रुपए निकलने का मैसेज मिलने पर तत्काल बैंक और पुलिस को सूचना दी गई। बैंक और पुलिस की मदद से 3.5 लाख तो रिकवर हुए। अब 16.5 लाख की राशि जब्त करने और फ्रॉड कॉल करने वाले बदमाश को पकड़ने में पुलिस जुटी है। खरगोन की सब्जी मंडी स्थित SBI शाखा में सचिन यादव की निमाड़ मोटर्स फर्म के 3 खातों का लेटर भेज बैंक मैनेजर को ट्रांसफर करने का फर्जी कॉल कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 20 लाख रुपए ट्रांसफर का मामला क्या है? हमारे पास दीपक यादव असिस्टेंट, दीपक तिवारी है असिस्टेंट मैनेजर SBI में खरगोन में। इन्होंने एक सूचना की है कि इनके मैनेजर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया कि मैं सचिन यादव बोल रहा हूँ और मेरे एक आपको 3 अकाउंट नंबर भेजे हैं, उनमें पैसा ट्रांसफर कर दें। द्वारा उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है बिना जांच के, और इस पर से धोखाधड़ी का मामला 420 का पंजीकृत किया गया है। रिपोर्ट पर इसको आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लगभग 20 लाख के करीब ट्रांजेक्शन हुआ था। अभी इसमें से जो एक बैंक में पैसा गया था वो हमने ब्लॉक करा दिया और उसको रिकवर करने के प्रोसेस में, और बाकी के लिए टीम बना दी है, वो भी जल्दी कर लेंगे। कॉल करने वाले का जो है वो भी जानकारी जुटा रहे हैं और वो भी संभवतः जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।